पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पहले राउंड में बनाई 277 रनों की बढ़त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला, तो वहीं पर इसके बाद बल्लेबाजी भी काफ़ी कमाल की रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बांग्लादेश की टीम के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, तो इसके बाद गेंदबाजी में भी इतिहास रचा। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी शानदार रनों की बढ़त के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें दूसरे दिन की शानदार शुरुआत से, तो यहां पर बांग्लादेश की टीम के खिलाफ एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे थे नाबाद लौटे जडेजा, तो उनके साथ थे अश्विन। लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने जल्दी ही अपना 7वां विकेट गंवा दिया, जहाँ पर जडेजा 86 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए। वे दूसरे दिन एक भी रन नहीं बना सके और उन्हें तस्कीन अहमद ने विकेट कीपर लिटिन दास के हाथों से कैच आउट करवा दिया। ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग लेती बॉल जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई और तस्वीन और जडेजा की यह शानदार पार्टनरशिप टूटी। तो इसके बाद टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा था आकाशदीप के रूप में, जहां पर आकाशदीप जो कि यहां पर 89वें ओवर में इंडियन ने अपना 8वां विकेट गंवाया। तस्कीन अहमद ने ओवर की 5वीं बॉल पर आकाशदीप को कप्तान नजमुद्दीन हुसैन के हाथों से कैच आउट करवा दिया। आकाश लेंथ बॉल पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल हवा में उछली और सांतो ने आसानी से कैच पकड़ा। तो इसके बाद 9वां विकेट अश्विन के रूप में गिरा, जहां पर 91वें ओवर में भारत ने अपना 9वां विकेट गंवाया था। रविचंद्रन अश्विन ने 113 रन बनाए। अश्विन ने 102 रनों के स्कोर के आगे खेलना शुरू किया था, उन्हें तस्कीन अहमद ने नजमुद्दीन हुसैन के हाथों से कैच आउट करवाया। तो आखिरी में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पहली पारी में 376 रनों पर ऑल आउट हुई। बुमराह के विकेट के साथ ही टीम इंडिया की पारी सिमटती हुई दिखी। हसन महमूद ने 5 विकेट हासिल किए और इस मुकाबले में भारत में 5 विकेट हासिल करने वाले वे पहले बांग्लादेशी गेंदबाज भी बने। हम बात करें यहां पर बांग्लादेश की टीम की शुरुआत की, तो इस टीम की शुरुआत कुछ खास देखने को नहीं मिली थी। बुमराह ने यहाँ पर सदमान को पहले ओवर में ही बोल्ट कर दिया। बांग्लादेश ने 2 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। जसप्रीत बुमराह ने पारी के पहले ओवर में सातमान इस्लाम को बोल्ट किया। बुमराह को गुड लेंथ बॉल यहां पर सातमान के पेट से टकरा कर स्टंप पर लगी और इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद जाकिर हसैन जो कि 4थे ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो चुके थे, लेकिन रोहित ने DRS नहीं लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जाकिर हसैन को एक और जीवनदान मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे टीम इंडिया की तरफ से आकाशदीप ने लगातार 2 बॉलों पर 2 विकेट चटकाए। 9वें ओवर में लगातार बॉल पर विकेट लिए उन्होंने। पहली बॉल पर जाकिर हसैन तो दूसरी बॉल पर यहां पर मोमिला हक को भी बोल्ट कर दिया। जाकिर जो कि 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो मोमिल जो कि अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में गया। इस सेशन में 7 विकेट गिरे और मात्र 63 रन बने थे। भारत ने यहां पर 6 विकेट के नुकसान पर 339 रनों का स्कोर खेलना शुरू किया था और 37 रन बनाने में आखिरी में 4 विकेट गंवा दिए। फिर यहां पर बांग्लादेश की टीम ने 26 रन बनाने में ही अपने 3 विकेट खो दिए थे। पहले सेशन में टीम इंडिया की काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। तो इसके बाद कप्तान सांतो भी इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। लंच ब्रेक के बाद जब पारी की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर कप्तान सांतो के रूप में टीम इंडिया को एक और शानदार विकेट मिला। मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर में यह 4था विकेट लिया था। यहां पर कप्तान नजमुद्दीन हुसैन सांतो जो कि 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद सिराज ने दूसरी स्लिप पर खड़े विराट कोहली के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया। तो इसके बाद बांग्लादेश की टीम का 5वां विकेट जो कि रहीम के रूप में गिरा था। टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने 13वें ओवर में बांग्लादेश की टीम का 5वां विकेट
विकेट लिया। यहां पर मुशफिकुर रहीम जो कि 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे के एल राहुल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया। तो 15वें ओवर में एक बार फिर भारतीय टीम ने शानदार वापसी करी। साकिब ने चौके से बांग्लादेश की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचाया। आंकड़ा यहां से 50 रनों के पार पहुंचा था। साकिब ने बुमराह के ओवर में तीसरी बॉल पर चौका जमाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन और लिटिन दास ने बांग्लादेश की बिखरती पारी को संभाला। दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर साकिब ने 1 रन लेकर यह 50 पार्टनरशिप भी पूरी करी, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश की टीम को छठा तगड़ा जीत दिया था। यहां पर रविंद्र जडेजा ने जहां पर 29वें ओवर में बांग्लादेश की टीम का छठा विकेट लिया। यहां पर रविंद्र जडेजा ने लिटिन दास को बुमराह की जगह पर फील्डिंग कर रहे ध्रुव जुरेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया और यह भी पवेलियन लौटे। यानी कि बांग्लादेश की टीम ने 100 के स्कोर के अंदर ही यहां से 7 विकेट गंवा दिए और साकिब को भी पवेलियन की राह देखनी पड़ी। बांग्लादेश की टीम ने 100 रनों के अंदर अपने 7 विकेट गंवाए। जडेजा ने 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर साकिब अल हसन का भी विकेट लिया। ऋषभ पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवाया। साकिब जो कि 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो इससे पहले जडेजा ने लिटिन दास के साथ हुई 50 पार्टनरशिप को तोड़ा था। तो इसके बाद महमूद के चौके से बांग्लादेश की टीम का स्कोर 100 रनों तक जैसे तैसे पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि 33वें ओवर में बांग्लादेश की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा हासिल किया। यहां पर हसन महमूद ने जडेजा के ओवर की आखिरी बॉल पर चौका जमा कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन इसके बाद बुमराह ने अपना तीसरा विकेट लिया था हसन महमूद के रूप में, जहां पर बांग्लादेश की टीम का 8वां विकेट गिरा। जसप्रीत बुमराह ने हसन महमूद को स्लिप पर खड़े विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवाया और बुमराह की तीसरा विकेट मिला था। उन्होंने यहां पर मुशफिकुर रहीम को 8, तो इससे पहले सादमान इस्लाम को 2 रनों पर आउट किया था। भारत और बांग्लादेश की टेस्ट के दूसरे दिन के दूसरे सेशन में भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबदबा रहा। इस सेशन में बांग्लादेश की टीम ने 86 रन बनाए, अपने 5 विकेट गंवाए। टी ब्रेक से पहले बांग्लादेश की टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंचा था, तो लंच ब्रेक से पहले 3 विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुँचा था। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबदबा रहा। बुमराह ने तस्कीन को बोल्ट किया, मैच में 4 विकेट लिया। तो इसके बाद मोहम्मद सिराज ने नाहिद राणा को बोल्ट करते हुए बांग्लादेश की टीम को यहां पर 48वें ओवर की पहली बॉल पर ही क्लीन स्वीप कर दिया और बांग्लादेश की टीम की पारी यहां से मात्र 149 रनों तक पहुंच पाई और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम ने यहाँ से काफी बेहतरीन शुरुआत करी। शुक्रवार को इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर के साथ अपनी स्थिति को मजबूत फॉर्म में उतारा। तो इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे थे यशस्वी जायसवाल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। लेकिन यहां पर टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका दिया था तस्कीन अहमद ने रोहित शर्मा के रूप में, जहां पर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में पहला विकेट तस्कीन अहमद ने लिया। रोहित शर्मा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल को दूर से खेलने की कोशिश, बॉल बैट का किनारा लेकर स्लिप पर जाकर गिरी और जाकिर हसन ने कैच पकड़ा। कप्तान रोहित शर्मा यहां से 5 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम को दूसरा तगड़ा झटका लगा था 7वें ओवर में, जहां पर नाहिद राणा ने यशस्वी जायसवाल को 10 रनों पर आउट किया। उन्हें भी यहां पर नाहिद ने विकेट कीपर लिटिन दास के हाथों से कैच आउट करवा दिया। बांग्लादेश की टीम की तरफ से ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन ने इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन बटोरे थे, लेकिन टीम इंडिया ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर दूसरे सेशन में भी टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। 19 ओवर तक ही टीम का स्कोर 2 विकेट खोने के साथ यहां से 70 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को तीसरा तगड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जहां पर विराट कोहली 37 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद मेहंदी हसन की गेंद का शिकार हुए, इनको यहां पर LBW कर दिया। तो इसके बाद गिल का साथ देने मैदान पर उतरे ऋषभ पंत ने भी काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करी। तो वहीं पर टीम इंडिया ने यहाँ से 300 रनों
बढ़त बना ली है बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम अब यहां से मुश्किलों का सामना करती हुई दिखी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के खिलाफ इस पहले टेस्ट मुकाबले में कितने रनों के स्कोर से पीछे रहेगी? भारतीय टीम किस तरह से इस मुकाबले को दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कितने रनों की बढ़त से जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।